सिर्फ जो मेरे मुझे मैं जो पैसे कमाता था ना, जो मेरे मुझे तनख्वाह मिलती थी उसमें से मुझे जो दूध का जो मेरा खर्चा होता था मैं उसके पैसे रखता था, बाकी पैसे मैं अपनी माँ को दे देता था। तो जब मेरे को 3 महीने के लिए काम मिल गया तो जब मेरा दूध का खर्चा चलता था, तो जब मेरा ब्रेक लग गया तो मेरे प्रैक्टिस में भी ब्रेक लग जाता था उसका। तो लगभग मैं साल में 6 महीने प्रैक्टिस कर पाता था, 6 महीने मुझे प्रैक्टिस छोड़नी पड़ती थी डाइट की वजह से। पोज होते हैं बॉडी बिल्डिंग, तो जब मैंने पहला फ्रंट पोज दिया तो दूसरा पोज दिया, जो मेरा नंबर था 17 नंबर था उस वक्त मेरा, ये मेरा जो कॉस्टम नंबर था वो 17 नंबर। तो मेरे 17 नंबर पे लोग ने बहुत ताड़ियां मारियां, बहुत एकदम मतलब कि मुझे लगा भी हाँ पूरा हाल गूंज गया। तो मेरे अंदर से वो डर निकल गया एकदम, तो मेरे मन से आवाज आई कि कुकुराम बाप तू बन गया दारा सिंह। तो क्या हुआ वहां से, वहां पे क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ मैं कि मैं किसी रिश्तेदार में घर पे चला गया लुधियाना, मेरी सिस्टर के घर पे पीछे हुआ तो कंपटीशन हो गया उनका मिस्टर अखाड़े का उस वक्त में। तो मिस्टर अखाड़े का कंपटीशन हुआ तो हमारे जो मोहल्ले के लड़के थे वाल्मीकि, तो और भी थे आपस में टाई थी, तो एक लड़का था बाजार का, जो बाजार में उनका घर था, तो वो लड़का उनसे जीत गया सबसे, तो सबसे जीत गया। दूसरे दिन मैं वापस आया तो सब लोग आ गए मुझे गाली निकालने लगे, जो मेरे मोहल्ले के लड़के थे, यार तू कल कहाँ मर गया। मैंने कहा क्या हुआ, कहने कल इतने कंपटीशन हुआ, अभी तू उन बंदे नु हरा देगा, भी वो बंदा अपने सारे बंदे नु हरा गया, जी भी तू क्वालिटी आओ। मैंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है फिर दोबारे करा दो। उन्होंने की करा, उन्होंने तो फिर 2 महीने का कंपटीशन रख दिया दोबार जी से। तो वो लोग मेरे पे पूरा ध्यान देने लग गए सब लड़के, तो मेरी पूरी सपोर्ट की, मेरी डाइट का बंदोबस्त किया, तो मैंने 2 महीने पूरी प्रैक्टिस की। तो मुझे एक उस्ताद से मिलाया, हमारे बाबू राम उस्ताद जी हैं मिस्टर पंजाब, उनसे मुझे मिलाया, उस्ताद जी इनको पोजिंग सिखाओ। तो उन्होंने कहा यार लड़का तो बहुत तगड़ा ही है, उसने मुझे पोजिंग सिखाई 5 दिन, तो 5 दिन में मैंने पोजिंग सीख ली। तो लास्ट टाइम में क्या हुआ, उन्होंने कंपटीशन कैंसिल कर दिया, ये कोई बार बार में मिलने की बात है उस वक्त, मेरे कल 87-88 की बात होगी, क्या वजह थी कैंसिल करने की? भी ये बंदा हरा देगा उसको। अच्छा। हाँ वो कैंसिल हो गया उनका। तो फिर क्या हुआ मेरा, मैं बड़ा उदास हो गया, वो किस तो मैं समाज अपने से उस्ताद, था? सर वो कोई और समाज से होगा ओ, मेरे तो ख्याल, मतलब ये वो था कि वाल्मीकि समाज का लड़का हरा देगा। वाल्मीकि समाज का नहीं था, वो वाल्मीकि समाज के, जे वाल्मीकि समाज का होता था फिर वो लोग मुझे तारते ही ना। वही कह रहा हूं कि मतलब ये था कि उन्होंने इसलिए कंपटीशन को कैंसिल कर दिया कि वाल्मीकि समाज का लड़का हरा देगा। हाँ हरा देगा, और ये छोटा सा लड़का है और बड़े, वो लड़का बड़ा है और ये इसको हरा देगा 100%। तो जी फिर क्या हुआ सर, तो मेरा उस्ताद बोला, कहता यार तू उदास क्यों। मैंने कहा भी मैं कंपटीशन मेरे मुझे तो बहुत, मैं होता भी मुझे बड़ा चो हो रहा था कि यार कंपटीशन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर हुआ नहीं, तो मैंने मैं बड़ा उदास। तो मेरा उस्ताद बोला भी ऐसे आप उदास ना हो, तो एक मिस्टर पंजाब का कंपटीशन है, सीनियर मिस्टर पंजाब का, आप जी उसमें पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा अच्छा वो कहाँ पे है, वो कहने जलंधर में है, तो अभी 5 दिन आपके पास तो आप प्रैक्टिस करो, 5वें दिन हमने चलना है। मैंने कहा ठीक है जी। तो मिस्टर पंजाब में मैं चला गया, वहां पे कंपटीशन पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सीनियर मिस्टर पंजाब में। तो मेरे साथ था सीनियर, मेरा लड़का था जो मेरे साथ में, तो जी वक्त मैंने हम लोग बॉडी वेट मैंने कराया अपना। तो जब मेरा वेट आया, तो जब मेरा वेट आया हम लोग जैसे तेल वगैरह लगाते हैं बॉडी में, हम लोगों ने तेल तूल लगाया, हम लोग रेडी हुए। जब मैंने अपने वेट के लड़के देखे तो मैं डर गया, जी तो मैं डर गया बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो मैं अपने साथ के लड़के को कह रहा हूँ कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं अगले साल खेलूंगा, मैं सिर्फ इस बार देखूंगा। तो वो कहने नहीं उस्ताद गुस्से होएगा। मैंने जी कहा होए उस्ताद गुस्से पर मैं नहीं खेलूंगा भाई। जी तो मैं उसके बाथरूम में छुप गया, तो मेरा उस्ताद आया, कहना कहाँ है वो, कहना वो कहना यो छुप गया बाथरूम में। तो उसने मुझे बाहर निकाला, तो दो चार मुझे दिए थप्पड़े, तो बोला भी चल भाग जाए यहाँ से, अगर नहीं खेलना तो ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे, ऐसे ही जाओ भाग जाओ। तो मैं डरते डरते मैं स्टेज पे पहुंच गया जी। जी तो वो जो मेरे साथ में लड़का था, कहना डरो ना जैसे मैं करूंगा आपने ऐसे ही करना है, बिल्कुल नहीं डरना। तो उस्ताद ने मुझे बोला मैं सामने खड़ूंगा, आपने किसी तरफ नहीं देखना, मेरे तरफ देखना है। मैंने कहा ठीक है जी। मेरा शरीर कांप रहा है, तो मैं वहां पे चला गया स्टेज पे, स्टेज पे चला गया, तो पहले 10 10 लोगों को और को चांस मिल गया, तो बोलो पोजिंग कर रहे हैं, तो मुझे चांस मिल गया देखने का भी करना क्या है। तो वो देखा भी हाँ ये करना है ठीक है।
तो जिस वक्त सर मैं मेरा मेरा नंबर आया और मैंने पहला पोज किया डबल बाइसेप्स पोज बोलते हैं, तो हमारे कंपलसरी 7 पोज होते हैं जी बॉडी बिल्डिंग। तो जब मैंने पहला फ्रंट पोज दिया तो दूसरा पोज दिया जो मेरा नंबर था 17 नंबर था उस वक्त मेरा, ये मेरा जो कॉस्टम नंबर था वो 17 नंबर था। तो मेरे 17 नंबर पे लोग ने बहुत ताड़ियां मारियां, बहुत एकदम मतलब कि मुझे लगा भी हाँ पूरा हॉल गूंज गया। तो मेरे अंदर से वो डर निकल गया एकदम, तो मेरे मन से आवाज आई कि कुकुराम बाप तू बन गया दारा सिंह। तो दारा सिंह जी को मानते थे, तो मैंने कहा अब तू बन गया दारा। ओके, तो वहां पे मेरी सेकंड नंबर पे मैं आया। तो सेकंड नंबर पे भी जब मैं आया वहां पे, तो मेरे जी साथ जो सीनियर था वो बेचारा वो तीसरे नंबर पे चला गया। अब हम लोग मेडल डाल के गले में नीचे आ रहे हैं, मेरे पैर नहीं लग रहे अब जमीन में, तो पैर मेरे जमीन में नहीं लग रहे। तो मेरा उस्ताद बोला हाँ भी, मैंने जाकर उनके पैर ही हाथ लगाया, मेडल दिया उनको। तो वो जो मेरे साथ लड़का था वो गालियां निकाल के मेरे को नीचे उतर रहा है मेरे साथ साथ, मतलब के गुस्से में नहीं वैसे ही गालियां निकाल रहा है। कहना लो उस्ताद जी पला करने का जमाना नहीं है, कहना ये बंदे ने धक्के नाल कहना मेरे को ही कहना उड़ा दिया। चलो हम लोग इकट्ठे हुए मिले, वहां से फिर मेरा ये बॉडी बिल्डिंग कारवा शुरू हुआ। यात्रा शुरू हुई। कुकुराम जी, इन तमाम संघर्षों के बीच जब आप जवानी की पहली दहलीज पर मिस्टर पंजाब का खिताब जीतने की तरफ थे, तो उस बीच रोजी रोटी के लिए क्या करना पड़ रहा था? क्योंकि आपने बंधुआ मजदूरी तो छोड़ दी थी, तो अब क्या काम कर रहे थे? तो तब मैं सर वहां पे क्या किया, तो पहले मैंने रिक्शा चलाया, तो उसके बाद में मैंने कुछ टाइम तक, क्योंकि मैं अभी छोटा था उम्र पूरी 18 साल नहीं थी, तो फिर मैंने उसके बाद में मैंने जो सब्जी मंडी होती है तो मैंने सब्जी मंडी में रेड़ी चलाई, सब्जी ढोने का काम किया। तो कुछ टाइम तक मैंने सब्जी ढोने का काम किया। तो उस वक्त में जो कमेटी होती है कॉरपोरेशन कमेटी, तो कमेटी में कुछ लड़कों बंदों को रखना था कच्चों में, तो सेक्शनें आती थी उस वक्त 3 3 महीने की कमेटी में। तो मुझे किसी ने बताया कि तेरे को कमेटी में लगा दे 3 महीने के लिए, तो तू काम कर लेगा कमेटी में। मैंने कहा हाँ, नाले वाले निकाल लेगा। मैंने कहा हाँ मैं नाले निकाल लूंगा। तो मुझे पहली बार फिर मुझे मैं कमेटी में लगा 3 महीने के लिए। जी तो ये उस समय की बात है 1988 में, जब हड़ आया था, जब पटियाला में हड़ आ गया था, तो बाढ़ आ गई थी उस वक्त 1988 में। तो उस वक्त कुछ लोग रखे थे कच्चे 3 महीने के लिए, तो मैं उसमें लग गया। उसके बाद में तो 3 महीने में वहां पे काम किया। तो जब मैं फिर वहां पे आदत बढ़ गई मुझे कमेटी में लगने की, तो 3 महीने जब काम लग गया तो 3 महीने के बाद ब्रेक। तो जब ब्रेक लगती थी तो मैं रिक्शा चलाता था, जब ब्रेक नहीं लगती तो फिर मैं कमेटी में काम करने लग गया उस वक्त आस्ता आस्ता। जी तो गेम मेरी, जब मेरी गेम चल रही थी, गेम ऐसे चली मेरी कि जिस वक्त जैसे मैं अब 3 महीने के लिए भर्ती हो गया कमेटी में, तो 3 महीने तो मेरी गेम चलेगी, क्योंकि मेरे पास डाइट के खर्चा, मैं सिर्फ जो मेरे मुझे मैं जो पैसे कमाता था ना, जो मेरे मुझे तनख्वाह मिलती थी उसमें से मुझे जो दूध का जो मेरा खर्चा होता था मैं उसके पैसे रखता था, बाकी पैसे मैं अपनी माँ को दे देता था। तो जब मेरे को 3 महीने के लिए काम मिल गया, तो जब मेरा दूध का खर्चा चलता था, तो जब मेरा ब्रेक लग गया तो मेरे प्रैक्टिस में भी ब्रेक लग जाता था उस वक्त। जी तो लगभग मैं साल में 6 महीने प्रैक्टिस कर पाता था, 6 महीने मुझे प्रैक्टिस छोड़नी पड़ती थी डाइट की वजह से। वो प्रैक्टिस तो रिक्शा चलाने के दौरान हो जाया करती थी। जी, वो ऐसे उधर हो जाती, फिर रिक्शा चलाने के बाद तो ऊर्जा नहीं रहती थी यानी। तो फिर ऐसे मेरा संघर्ष चलता रहा, ये संघर्ष चलता रहा मेरा, मेरे ख्याल 96 95 96 तक। उसके बाद में, तो उसके बाद में क्या हुआ, 96 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उससे पहले मैं मिस्टर पंजाब का कंपटीशन खेल के मिस्टर पंजाब में मैंने गोल्ड मेडल ले लिया 1992 में। 1992 में गोल्ड मेडल लेके पंजाब का, तो आगे सपना बना कि अब मैं नॉर्थ इंडिया खेलूं। फिर मैंने नॉर्थ इंडिया खेला, नॉर्थ इंडिया में हम लोग थे खली, जो खली ग्रेट खली को आप जानते हैं, जी तो ग्रेट खली खली हम लोग पंजाब की टीम में खेलते थे उस वक्त। जी तो हम लोगों ने फिर चैंपियनशिप जीती चंडीगढ़ में जाके, नॉर्थ इंडिया में मैं सेकंड नंबर में आया। तो नॉर्थ इंडिया के बाद फिर मुझे इंटरनेशनल का एक कंपटीशन मिला 1994 में। 1994 में कॉम्बो टूर में ये कंपटीशन हुआ था, तो वहां पे मैं ओवरऑल चैंपियन बना इंडिया में, अपने वेट में फर्स्ट, ओवरऑल भी फर्स्ट लिया।
तो वहां से मेरा एक सपना बना था, तो मैं लड़कों को बोलता था कि मैं ज्यादा नहीं तो कम से कम मैं एशिया तक तो मैं जरूर, मेरा इच्छा कि मैं पहुंचूं इंटरनेशनल। जी तो फिर क्या हुआ, 96 में जाके मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी मेरे कॉरपोरेशन में थे, उनकी जॉब पक्की थी, पक्की जॉब में थे वो। तो लोग बोले भी चलो अब कुकू को नौकरी मिल जाएगी पिताजी की। मैंने भी सोचा चलो अब जून सिधर जाएगी पिताजी की नौकरी। तो जब पिताजी के देहांत हुआ तो मैं उसमें सदमे में चला गया उसमें। उस सदमे से निकलने के मुझे सर 1 साल लग गया। उस दौरान क्या हुआ, मैंने कहा यार, मन में सोचा कि अब पिताजी का साया नहीं है सिर पे, तो अब मैं क्या करूं, जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर है। तो फिर मैंने क्या किया, अपना मेरा छोटा भाई था, मेरा छोटा भाई है, तो जी फिर मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं आपके छोटे भाई को दूंगा। क्योंकि अभी वो 18 साल का हुआ था, तो लाडला भी था घर पे। तो मैंने कहा यार, मैंने तो बहुत मेहनत मजदूरी की है, ये कहाँ करेगा मेहनत मजदूरी, इससे ना होगी। जी चलो वो मकान, इसको पक्की नौकरी मिल जाएगी, स्टैंड हो जाएगा। अब मैं तो कच्चा लगा हुआ हूँ, कभी यहाँ पे पक्का हो जाऊंगा नौकरी पे। तो वो नौकरी उसको दे के फिर मैं आगे बढ़ा। 1 साल मुझे उसमें से निकलने के लिए लग गया। तो जब मैं उसमें से निकलता हूँ गम से, फिर मैंने क्या किया, चलो प्रैक्टिस करते हैं दोबारा से। फिर तो मैंने दोबारा से फिर प्रैक्टिस शुरू की, फिर दोबारा से मिस्टर पंजाब और कंपटीशन पार्टिसिपेट किए, जहाँ पे मैं फर्स्ट प्लेस पे आता था, तो सेकंड थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस पे मैं आ गया। तो ये सिलसिला सर 2001 तक चलता रहा। तो 2001 में जाके क्या हुआ, उसके दौरान मैं 97 में मैं मुझे डेली वेज कर दिया कॉरपोरेशन कमेटी ने, जिसमें कच्चा काम करता था उस दौरान, मुझे उन्होंने डेली वेज कर दिया। चलो तो डेली आप वेज हो गया, सफाई मैं चला, कर्मचारी हो गए थे। हाँ सफाई कर्मचारी हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सन 2000 में हमारे साथ में 116 आदमी थे जो भर्ती किए हुए थे। तो उसमें क्या हुआ, 2000 सन 2000 में वो लोग पक्के कर दिए, जी सारे सब लोग पक्के कर दिए, उसमें से 16 आदमी निकाल दिए। तो उनको 16 आदमियों को निकाल दिया, उसमें नंबर मेरा भी डाल दिया। तो उस दौरान क्या हुआ, डाल दिया ऐसे कि 5-6 महीने पहले कुछ बात चल रही थी, मेरे साथ भी बात की लोगों ने कि आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा लिस्ट में अगर नाम डलाना है आपने। मैंने कहा मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूँ, 1988 से, मैं क्यों पैसे दूंगा। तो मैं उसको बात को हल्के में ले गया, मैंने पैसे नहीं दिए। तो जब रिजल्ट निकला तो मैं 16 बंदों में मुझे बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाल दिया, वहां से नौकरी चली गई सन 2000 में। 2001 में मैं लास्ट एक कंपटीशन लड़ा गबरू पंजाब का, तो जी उसमें पंजाब पुलिस के लड़के थे, वो फर्स्ट सेकंड आए, तो मैं तीसरे नंबर पे आया। तो फिर उसके बाद मैंने गेम को छोड़ दिया, मैंने कहा अभी तो बहुत नीचे आ गए, अब नहीं कंपटीशन खेलेंगे, अब छोड़ दिया मैंने गेम। क्योंकि अब ना तो नौकरी थी मेरे पास, ना मेरे पास कुछ था काम था। जी तो दौरान फिर दोबारा से मैं कमेटी में फिर कच्चों में फिर भर्ती हो गया। तो इस दौरान सर मुझे ऐसे निकलते दो सन दो 2004 आ गया। तो 2004 में एक मनोरमा कंपनी है, जी मनोरमा कंपनी है। तो एक बात मैं और बताता हूँ, इस दौरान ना सर, जब मैं, अब मैं पीछे चलता हूँ थोड़ा सा, दांत एक छुटगी, जब मैं वहां पे जिम में अपना केसर हेल्थ क्लब में प्रैक्टिस करता था, तो उस दौरान क्या हुआ, जब मैंने 2-3 कंपटीशन जीत लिए, 3-4 मेडल मेरे पास हो गए, तो वहां पे मुझे एक दिन मुझे टोक दिया रहा, एक एक जो इंचार्ज था वहां पे, तो वो बोला कि कुकराम आपको फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा फीस तो मैंने कभी दी नहीं भाई, कितनी फीस है? कहने 10 रुपये। अब 10 रुपये मेरे को देने बहुत बड़ी बात थी, अब पहलवान ने तो मेरी फीस माफ की हुई है, अब जो इंचार्ज है वो मेरे से मांग रहा फीस, कि आप फीस दोगे तो आओगे। तो इस दौरान मैंने क्या किया, मैंने उसको फीस नहीं दी, मैंने उसका क्लब वो खाड़ा छोड़ दिया 1992 में। जी खाड़ा छोड़ के मैंने क्या किया, अपने मोहल्ले में कुछ लड़कों को साथ लिया, कुछ सीनियर लड़के मेरे साथ लड़े। तो हमारा जो प्रधान है उनसे मैं मिला कि मुझे एक जगह चाहिए खाड़ा खोलने के लिए। तो वो बोला भी कुकू, जहाँ पे आपको जगह मिलती है आप वहाँ पे अपना खाड़ा खोलो, मैं सहमत हूँ। तो हमें एक स्कूल के पीछे एक थोड़ी जगह मिल गई, तो हम लोगों ने वहां पे सफाई करके उस बेड वहां पे रख लिया, ऊपर छत वगैरह डाल ली बांस वगैरह पाके। तो ऐसे हमने एक जिम बना लिया, बाल्मीकि हेल्थ क्लब।
1992। तो उस वहां पे फिर एक इलेक्शन हुए, यहाँ पे इलेक्शन होने थे एमएलए के, तो 92 में ही इलेक्शन थे, तो हमने थोड़ा सा इलेक्शनों का फायदा उठाया मैंने, तो वहां से के शर्मा से मैंने भेंट ले लिया। श्री के शर्मा जी ने मुझे भेंट दिया कि कोई बात नहीं, आप जिम चलाओ, हम आपको भेंट देंगे। तो उन्होंने मुझे भेंट दे दिया। अब जिम में भेंट भी आ गया, मेरा अपना जिम बन गया। तो इस दौरान क्या हुआ कि मुझे ना कभी, मैं प्रधान बना इसकी मुझे कभी लालसा नहीं है कि मैं कोई ओहदे पे आऊं। तो इस दौरान मैंने क्या किया, जो मेरे साथ में जो मेरे पार्टनर थे उन लोगों को वहां का किसी को प्रधान बना दिया, सबको लंबरदारी दे दी, और मैं सिर्फ सलाहकार, और मैंने कहा मैं प्लेयर हूं, मैंने अपनी प्रैक्टिस कर ली है, आप लोग इसको संभालो। तो इस दौरान चलते रहे, जिम भी चल रहा है हमारा। तो जो मेरे साथ के लड़के थे, मुझे क्या पता था कि अंदरूनी वो अच्छा नहीं समझते मुझे, या मुझे अंदरूनी से कुछ लड़के ऐसे समझते अभी, यार ये अहंकार, ये है, ये है, वो है। चलो ऐसे करते करते उन लोगों ने उस जिम पे कब्जा कर लिया।